हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ओवर हेयर इज वॉट वुड बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द प्रोजेनी इफ मदर इज ओ ब्लड ग्रुप एंड फादर इज ए बी ब्लड ग्रुप ठीक है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है मदर का ब्लड ग्रुप है ओ और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है की कंसेप्ट ये है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में ये मल्टीपल अलील्स के थ्रू कंट्रोल होता है ठीक है ब्लड ग्रुप इन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अलील्स ठीक है दो से ज्यादा अलील्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से हैं वो अलील्स देखो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी और स्मॉल आई कैपिटल आई ए ए ब्लड ग्रुप के लिए है कैपिटल आई बी बी ब्लड ग्रुप के लिए है. और ये स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप के लिए है. ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं कोडोमिनेट है मतलब एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं अगर ए और बी एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों एक्सप्रेस होंगे और ओ कैसा है रिसेसिव है एज कंपेयर टू ए एंड बी ठीक है इस की कंसेप्ट के बेसिस पे अब हमें बताना है कि मदर जो है वो कैसी है मदर का ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे हम फीमेल हैं फीमेल का ब्लड ग्रुप कैसा है ओ मेल का ब्लड ग्रुप कैसा है दैट इज फादर का ब्लड ग्रुप ए बी तो बच्चों ओ ब्लड ग्रुप मैंने कहा कैसा है रिसेसिव हमेशा रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है ओके ए बी ए बी कंडीशन कब होगी बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप वाली कंडीशन तभी होगी जब दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे ए के भी अलील प्रेजेंट होगा और बी का भी और मैंने लिखा है साफ साफ के दोनों को डोमिनेंट है इसमें कोई भी ना डोमिनेंट है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कुछ नहीं दोनों ही डोमिनेंट है दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं तो ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं ठीक है अब देखो ये फीमेल एग बनाएगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आई आएगा ये पेरेंट्स है ये ये मीथ्स है ठीक है जब ये फादर गेमीट्स बनाएंगे तो ये दो टाइप के गेमीट बना सकते हैं एक गेमीट में ये ए के लिए गेमीट जा सकता है ए ब्लड ग्रुप के लिए या एक गेमीट में बी ब्लड ग्रुप के लिए जा सकता है अब ये चांस इवेंट होता है कि कौन सा गेमीट किस गेमीट के साथ फ्यूज करेगा फीमेल तो हमेशा स्मॉल आई बना रही है अब अगर ये स्मॉल आई इसके साथ फ्यूज करता है तो इट विल बी कैपिटल आई ए और स्मॉल आई और ये स्मॉल आई या तो इसके साथ फ्यूज कर सकता है और क्या बना सकता है दिस वुड बी एफ वन जनरेशन आई बी और ये स्मॉल आई अब देखो यहां पर ये आई क्या है रिसेसिव है तो ये तो एक्सप्रेस नहीं होगा इसका मतलब दूसरा जो इसके साथ प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस होगा तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है प्रोजिनी का या तो प्रोजिनी का बी ब्लड ग्रुप हो सकता है दोनों ही चांसेस है ना जैसे कि मैंने बोला कि ये चांस इवेंट है तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया पॉसिबल तभी पूछा गया क्या है पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताओ कोई फिक्स ब्लड ग्रुप नहीं है यहां पर कि ए ही बनेगा या बी ही बनेगा ठीक है यहाँ पे पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स है तो हम क्या लिखेंगे पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ प्रोजनी पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ प्रोजनी ठीक है और दोनों के देखो आप फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस है है ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला है ए ए ब्लड ग्रुप और दूसरा क्या है बी ब्लड ग्रुप क्या ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर क्योंकि ओ के लिए आपको स्मॉल आई स्मॉल आई चाहिए एक आई तो चलो मदर से आ जाएगा दूसरा आई फादर से कैसे आएगा जब फादर में स्मॉल आई प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है तो ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है सो फॉर द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक